रिसर्च से पता चला है कि चीनी खाने से होते हैं अनगिनत नुकसान। तो फिर क्या करें, चीनी खाना छोड़ दे? नहीं कर सकते, तो फिर मिठास कहाँ से लाएंगे? और अगर चीनी खाना नहीं छोड़े तो हमें परेशानी होगी, यानी हमें डायबिटीज हो सकती है, मोटापा। माय गॉड, मोटापा, जी हाँ मोटापा। अगर हम एक महीना भी बिना चीनी के रह लिए, यानी चीनी से बनी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम एक महीना नहीं खाते, तो हम अपने हेल्थ में बेहद डिफरेंस देखेंगे। तो फिर चलिए ट्राई करते हैं एक महीने का चैलेंज, और इसी एक महीने में आप अपने अंदर बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे। लेकिन क्या करें, चीनी को किस चीजों से रिप्लेस करें जो कि हेल्दी भी हो और नेचुरल भी, आज हम आपको यही कुछ बताने वाले हैं। जाना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदेरी जिंदगी। शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। मीठी की आदत हमें ऐसी लग गई ना कि बिना चीनी के हम रह नहीं सकते। तो कभी पार्टी में मिठाइयाँ, तो कभी घर पे मिठाइयाँ, तो कभी चाय चीनी वाली, कभी दूध चीनी वाला, यानी ऑल टाइम हमारे आसपास तो चीनी मंडराती रहती है। यानी किसी न किसी रूप में हम चीनी जरूर इंटेक करते हैं, वो बिस्किट हो या कुछ भी। तो हम मोस्टली चीज़ों में चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हम इन चीज़ों को कैसे कम करें, चीनी की ग्रेविटी को शांत कैसे करें? हम मीठे की ग्रेविटी को शांत कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करके, ताकि हम हेल्दी भी रहें और वो नेचुरल चीज़ें होंगी तो हमारा हेल्थ और अच्छा बना रहेगा। तो चलिए, देशी खान ये मिठास का भरपूर स्रोत है, क्योंकि इससे हमारे मीठे की ग्रेविटी कम होती है और साथ ही इसमें मिनरल्स, कैल्शियम बहुत सारी होती हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में ये सब होने की वजह से ये बहुत हेल्दी है। शहद, रोहनी, शक्कर का बहुत ही अच्छा विकल्प है और सेहत के लिए भी हेल्दी है। इसके साथ ही इसमें हाई कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद शहद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू कम होता है, जो शरीर में शक्कर की अपेक्षा शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देता है। मिश्री हेल्दी होती है और ये अच्छा विकल्प है और बिल्कुल मीठा लगता है, बिल्कुल चीनी की तरह। लेकिन चूंकि लोग आज मिश्री को छोड़ ही चुके हैं, हम बता दें कि मिश्री रिफाइन नहीं होती, उसमें इतना ही रिफाइन किया जाता है कि वो एक गार्ड के तौर पे आ जाती है, मिल जाती है, और वो धागे वाली मिश्री ना प्योर होती है, अच्छी होती है। तो हम ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि रिफाइंड मिश्री ना लेके प्योर मिश्री ले, जो कि धागे में बंधी रहती है और उसमें होते हैं मिनरल्स, कैल्शियम्स। तो प्लीज आज से ही मिश्री को अपनाएं। पहले के लोग मिश्री ही खाया करते थे और हेल्दी रहा करते थे। खजूर व किशमिश, डेट्स शुगर नाम से भी मार्केट में ये इजिली मिल जाता है, ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें मिठास भी बेहतरीन होता है, इसके साथ ही इसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें ना ये विकल्प भी अपनाना चाहिए। हम दूध में डाल के पी सकते हैं, हम किसी भी चीज में डाल के इसे यूज कर सकते हैं मिठाइयों में। तो हमें खजूर या फिर खजूर से बना हुआ पाउडर या फिर किशमिश का यूज करके मीठेपन को पूरा कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमारी ग्रेविटी, यानी मीठे खाने की ग्रेविटी शांत हो सकती है। कोकोनट शुगर, ये ना बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि ये बनता है प्राकृतिक तरीके से। इसे नारियल के पेड़ से निकलने वाले मीठे द्रव्य से बनाया जाता है, जो कि धीरे धीरे निकलता है, और ये बहुत पौष्टिक होता है। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट सभी चीजें होती हैं। तो हमें इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्दी है। गुड़ या जागरी पाउडर, गुड़ और जागरी पाउडर ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि ये हमारी सेहत को हेल्दी बनाते हैं। कैसे? अगर हम गुड़ खाते हैं तो हमें हमेशा गुड़ को ठंड में खाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी तासीर होती है गर्म, तो हमें इसे ठंड में खाना चाहिए। और जागरी पाउडर की तासीर होती है ठंडी, तो हमें खाना चाहिए इसे गर्मी में। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम होते हैं, तो हमें गुड़ तो जरूर रखना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी दोनों ही होते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। कई परेशानियों का भी हल इसी से मिलता है।
जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, तो हम काढ़ा बनाकर गुड़ डाल के पी लेते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये बहुत जल्दी उसे कंट्रोल कर सकता है। खून की कमी, अगर खून की कमी है ना, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो बस गुड़ खा लीजिए, क्योंकि गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन अच्छा बनता है। एसिडिटी से छुट्टी, जब हम गुड़ खाएंगे ना तो एसिडिटी से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि ये डाइजेशन को भी स्ट्रांग बनाता है। तो मैं जाते जाते तो इतना ही सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हीं में से कोई विकल्प चूज कर लीजिए और चीनी का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि चीनी तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आप इनमें से जो भी विकल्प आपको अच्छा लगे, या सारे विकल्प अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप किसी में कोई चीज और किसी में कोई चीज यूज करके आप अपना ये टारगेट पूरा कर सकते हैं, यानी एक महीने का जो टारगेट आपने बनाया है उसे पूरा कर सकते हैं और आप खुद में अंतर देख सकते हैं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में। अच्छा हुआ जाना चाहे, तब तक के लिए बाय बाय।